नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी ने 3 दिसंबर 2023 को एक रिपोर्ट जारी की, क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2022 नाम की। इस रिपोर्ट में भारत में साल 2022 में हुए अपराधों का विस्तृत डेटा है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 की तुलना में साल 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बच्चों के खिलाफ अपराध, साइबर क्राइम और राज्य के खिलाफ यानी सरकार के खिलाफ अपराधों में बढ़ोतरी हुई है। क्राइम की सालाना रिपोर्ट और ADSI यानी एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड रिपोर्ट बीते दिन 4 राज्यों में विधानसभा चुनावों के नतीजे घोषित होने के बाद जारी हुई है, जबकि साल 2022 में क्राइम रिपोर्ट अगस्त महीने में ही पब्लिश हो गई थी। इन रिपोर्ट्स में सामने आए अपराधों के आंकड़े चिंता का विषय हैं। विस्तार से जानते हैं कौन सा अपराध कितना बढ़ा है। अचानक हुई मौतें यानी कि सडन डेथ्स, द हिंदू में छपी विजेता सिंह की खबर के मुताबिक ADSI रिपोर्ट में कहा गया है कि देश भर में सडन डेथ्स यानी कि अचानक हुई मौतों की तादाद में 11.6% की बढ़ोतरी हुई है। साल 2022 में 56,653 सडन डेथ्स हुई हैं, इनमें से 32,410 मौतें दिल का दौरा पड़ने से, जबकि 24,243 मौतें अन्य कारणों से हुई। सबसे ज़्यादा 19,456 सडन डेथ्स 45 से 60 साल के आयु वर्ग में हुई। अब बात करते हैं आत्महत्या और एक्सीडेंटल डेथ्स की। साल 2021 में 1,64,033 लोगों ने आत्महत्या की थी, इसकी तुलना में साल 2022 में 1,70,924 लोगों ने आत्महत्या की। इसी तरह साल 2021 में एक्सीडेंटल डेथ्स का आंकड़ा 3,97,530 था, जो साल 2022 में बढ़कर 4,30,504 हो गया। महिलाओं के खिलाफ अपराध, क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 के दौरान महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 4,45,256 मामले दर्ज किए गए, जो 2021 में 4,28,278 मामलों की तुलना में 4% ज़्यादा हैं। भारतीय दंड संहिता यानी कि IPC के तहत महिलाओं के खिलाफ अपराध के बतौर दर्ज हुए ज़्यादातर मामले महिला के पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता के थे। इसके अलावा 19.2% मामले महिलाओं का अपहरण या उन्हें अगवा करने के दर्ज हुए। 7.1% मामले बलात्कार के दर्ज हुए। बच्चों के खिलाफ अपराध, साल 2022 में बच्चों के खिलाफ अपराध के कुल 1,62,449 मामले दर्ज किए गए। ये संख्या 2021 के 1,49,404 मामलों की तुलना में 8.7% ज़्यादा है। साल 2021 में बच्चों के खिलाफ अपराध के तहत आने वाले कुल मामलों में अपहरण के 45.7% मामले थे, जबकि बलात्कार सहित पॉक्सो एक्ट के तहत 39.7% मामले दर्ज हुए। वहीं साल 2022 में किशोरों के खिलाफ कुल 30,555 मामले दर्ज किए गए हैं, जो 2021 की तुलना में 2% की गिरावट दिखाता है। अब बात कर लेते हैं साइबर क्राइम की। साल 2022 में इंटरनेट या ऑनलाइन माध्यमों से होने वाले अपराधों की कुल तादाद 65,893 है। ये साल 2021 में दर्ज हुए 52,974 मामलों की तुलना में 24.4% ज़्यादा है। साल 2022 में दर्ज हुए साइबर क्राइम्स में 42,710 यानी कुल 64.8% मामले धोखाधड़ी के थे। इनके अलावा 3,448 मामले वसूली, 3,434 मामले यौन शोषण के थे। इनके अलावा सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाने के 4,403 मामले दर्ज हुए और 1,005 मामले गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी कि UAPA के तहत दर्ज किए गए। अपराध दर साल 2021 में 7% थी, जो साल 2022 में घटकर 6.9% हो गई है। वरिष्ठ नागरिकों यानी कि 60 साल से ज़्यादा की उम्र वाले लोगों के खिलाफ कुल 28,545 आपराधिक मामले दर्ज किए गए। साल 2021 में इस आयु वर्ग के लोगों के खिलाफ 26,110 मामले दर्ज हुए थे। कुल वृद्धि प्रतिशत है 9.3। अनुसूचित जाति के लोगों के साथ अपराध के कुल 57,582 मामले दर्ज किए गए। ये साल 2021 में दर्ज हुए 50,900 मामलों की तुलना में 13.1% ज़्यादा है। अनुसूचित जनजातियों के लोगों के साथ अपराध के कुल 10,064 मामले दर्ज किए गए। ये साल 2021 में दर्ज 8,802 मामलों की तुलना में 14.3% ज़्यादा हैं। आर्थिक अपराधों के तहत कुल 1,93,385 मामले दर्ज किए गए, जो साल 2021 में दर्ज 1,74,013 मामलों की तुलना में 11.1% की वृद्धि दिखाता है। स्टेट एंटी करप्शन ब्यूरो ने साल 2022 में कुल 4,139 मामले दर्ज किए, जबकि 2021 में 3,745 मामले दर्ज किए गए थे। इसके अलावा साल 2022 में कुल 58,24,946 संज्ञेय अपराध के मामले दर्ज किए गए। लोक सेवक के आदेश की अवज्ञा यानी कि किसी सरकारी आदेश को ना मानना, इस तरह के मामलों में बड़ी गिरावट दर्ज हुई है।
साल 2021 में ऐसे मामले 3,22,115 थे, जो 2022 में घटकर 67,350 हो गए। आपने 2022 की रिपोर्ट के बारे में सब कुछ जाना, अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर NCRB पूरे देश की इतनी बड़ी रिपोर्ट बनाती कैसे है। NCRB ने क्राइम इन इंडिया की अपनी पहली रिपोर्ट साल 1953 में जारी की थी। रिपोर्ट के लिए डेटा इकट्ठा करने का काम स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि SCRB और डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि DCRB का होता है। साल के अंत में डेटा NCRB को भेजा जाता है। जिस साल की रिपोर्ट तैयार होती है उसे कैलेंडर ईयर कहा जाता है। जैसे कैलेंडर ईयर 2022, इस कैलेंडर ईयर में 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होने वाले क्राइम्स का ब्यौरा होता है। डेटा जमा करने की प्रक्रिया क्या है? देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित राज्यों की पुलिस आपराधिक डेटा को NCRB द्वारा निर्धारित तरीके से दर्ज करती है। ये हार्ड कॉपी होती है। इसके अलावा सॉफ्ट कॉपी को NCRB द्वारा डेवलप किए गए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन पर भी दर्ज किया जाता है। इसी तरह देश के 53 महानगरों के आपराधिक डेटा को वहाँ के SCRB या CID द्वारा दर्ज किया जाता है। जिला स्तर और राज्य स्तर के डेटा का एकीकरण राज्य की पुलिस एजेंसियों यानी कि SCRB या CID द्वारा किया जाता है। डेटा का फर्स्ट लेवल वैलिडेशन यानी आंकड़ों की जांच पड़ताल NCRB के एप्लीकेशन पर पुलिस स्टेशन में किया जाता है। इसके बाद सेकंड लेवल पर NCRB के कहने पर राज्य की पुलिस जिला स्तर के डेटा एकीकरण के दौरान डेटा वैलिडेशन करती है। थर्ड लेवल का डेटा वैलिडेशन राज्य स्तर पर NCRB के अधिकारियों द्वारा ही किया जाता है, जिसमें निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, CSO और अन्य अधिकारी शामिल होते हैं। अगर डेटा में कोई संशोधन होता है तो NCRB उसे अपने डेटा में शामिल करती है। इसके अलावा जो केस करप्शन एक्ट, डायरेक्ट टैक्स इनएक्टमेंट, कस्टम एक्ट या इस तरह अन्य केंद्रीय एजेंसियों के तहत रजिस्टर होता है तो उनका एकीकरण उक्त एजेंसी ही करती है। अब ये भी जान लेते हैं कि NCRB डेटा कैसे कंपाइल करता है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से फाइनल डेटा प्राप्त करने के बाद NCRB द्वारा पूरे भारत का डेटा जनरेट किया जाता है। फिर NCRB के एप्लीकेशन पर भारत में हुए अपराधों के लिए राष्ट्रीय स्तर की एक टेबल तैयार की जाती है और इसके बाद NCRB इसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी का पता लगाने के लिए डेटा को क्रॉस चेक करती है। ये टेबल अब भारत में हुए आपराधिक आंकड़ों के आधार पर प्रदर्शित की जाती है। भारत के वो आपराधिक आंकड़े जो NCRB की क्राइम रिपोर्ट में प्रकाशित नहीं होते हैं, NCRB उनके लिए एक अतिरिक्त टेबल बनाकर अपनी वेबसाइट पर उन अपराधों की जानकारी उपलब्ध करवा देती है। आखिर में ये भी बताते हैं कि क्राइम रेट कैसे तय होता है। क्राइम रेट निकालने के लिए NCRB दर्ज किए गए आपराधिक मामलों को उस जगह की मध्य वर्ष की अनुमानित जनसंख्या से भाग दे देते हैं, जिससे उस राज्य का क्राइम रेट तय होता है। गणित की भाषा में बताएं तो क्राइम रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ केसेस रिपोर्टेड बाय मिड ईयर प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन इन लैक्स। आपके लिए तमाम जानकारी इकट्ठा की हमारे साथी शिवेंद्र और आर्यन ने। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है, आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं गरिमा और उम्मीद करती हूं कि आपको सनराइज मसालों के साथ बिहार की हमारी यात्रा लपलप स्वाद बिहार का पसंद तो आ रही होगी। इस जर्नी ने मुझे इस इतिहास से भरे प्रदेश का असली स्वाद जानने का मौका दिया। आप लोग भी हर रविवार को लपलप स्वाद बिहार का एक नया वीडियो देखिए। सनराइज बिहार के इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल पर जाइए और जवाब दीजिए एक आसान से सवाल का। आपको अपना जवाब कमेंट करना है और आप जीत सकते हैं आईफोन, टैबलेट और सनराइज हैम्पर्स। नीचे दिए गए हैंडल्स पर जाइए और हर हफ्ते अपने जवाब कमेंट्स में बताइए।